अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है और खर्च कहां पर होता है, यानी सरकार की पूरी बैलेंस शीट हम आपके सामने रखेंगे। हमने 100 रुपए के हिसाब से सरकार के अकाउंट का डीएनए टेस्ट किया है। सबसे पहले सरकार की कमाई की बात करते हैं। मान लीजिए अगर सरकार की जेब में 100 रुपए हैं तो उनमें से 19 रुपए उधार के होते हैं। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से सरकार को 23 रुपए मिले। ये सरकार को टैक्स से होने वाली आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा है। कॉरपोरेट टैक्स से सरकार को 19 रुपए मिले। आयकर से सरकार 16 रुपए की आमदनी करती है। कस्टम्स ड्यूटी से सरकार को 4 रुपए मिले, जबकि एक्साइज ड्यूटी से सरकार को 8 रुपए मिले। सरकार को 8 रुपए की नॉन टैक्स इनकम भी हुई, जबकि नॉन डेट कैपिटल रिसीट से सरकार को 3 रुपए मिले। अब सरकार के खर्च की बात करें तो इस 100 रुपए में से 24 रुपए राज्यों को टैक्स और ड्यूटी के हिस्से के तौर पर दिए जाते हैं, जबकि 9 रुपए विभिन्न योजनाओं में राज्यों की मदद करने पर खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा तमाम तरह की केंद्रीय योजनाओं में 10 रुपए खर्च होते हैं। सरकार 18 रुपए अलग अलग तरह के ब्याज के भुगतान करने में खर्च कर देती है। रक्षा क्षेत्र पर सरकार 100 में से 9 रुपए खर्च करती है, जबकि सब्सिडी पर सरकार 9 रुपए और खर्च कर देती है। इसके अलावा वित्त आयोग को 8 रुपए दिए जाते हैं और सरकार के 13 रुपए अन्य खर्चों में इस्तेमाल हो जाते हैं। कुल मिलाकर इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जीएसटी से देश के टैक्स कलेक्शन पर बड़ा असर पड़ा है। जीएसटी के बाद देश के बहुत से छोटे व्यापारी टैक्स देने वाले वर्ग में शामिल हो गए हैं और अब वो भी टैक्स दे रहे हैं, जिससे सरकार की इनकम बढ़ेगी। अब आपको सरकार के वित्तीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट की जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वित्तीय घाटा क्या होता है। सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच के अंतर को वित्तीय घाटा कहते हैं। अगले साल यानी 2018-19 के लिए सरकार ने वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.3% रखा है, जबकि सरकार का अनुमान है कि मार्च 2018 तक वित्तीय घाटा जीडीपी के 3.5% हिस्से के बराबर होगा, यानी अगले एक साल में ये घाटा 0.2% कम हो जाएगा। और ये घाटा जितना कम हो सरकार और देश के लिए उतना अच्छा। जब भी बजट पेश किया जाता है तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि रक्षा के क्षेत्र में मोटी रकम खर्च की जाए, लेकिन इस बार रक्षा बजट के लिए जितनी रकम आवंटित की गई है वो पिछले रक्षा बजट के मुकाबले सिर्फ 7.81% ज्यादा है। इस बार रक्षा बजट को 2.74 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.95 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो वर्ष 2018 और 19 के संभावित जीडीपी का लगभग 1.58% है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीडीपी में डिफेंस बजट का यह प्रतिशत 1962 के युद्ध के बाद से अब तक का सबसे कम हिस्सा है। वर्ष 1962 के यूनियन बजट में रक्षा बजट संभावित जीडीपी का 1.5% था। हालांकि चीन के खिलाफ युद्ध के बाद 1963 में जब रक्षा बजट पेश किया गया तो उस वक्त रक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का संभावित प्रतिशत 1.5% से बढ़ाकर 2.31% हो गया था। इस बार कुल रक्षा बजट के तहत सेना के तीनों अंगों के लिए नए हथियार, विमान, जंगी जहाज और अन्य सामान की खरीद के लिए 99,947 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा 1,95,947 करोड़ रुपए वेतन, रक्षा संस्थानों के रखरखाव और अन्य जरूरत की चीजों पर खर्च की जाएगी। दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका अपने जीडीपी का 4%, रशिया 4.5%, इसराइल 5.2%, चीन 2.5% और पाकिस्तान 3.5% रक्षा बजट के लिए खर्च करता है। बजट के विश्लेषण में अब रेलवे से जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको बता देते हैं, इसलिए यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आम बजट में रेलवे को 1,48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन रेल यात्रियों को किराए में छूट जैसा कोई ऐलान इस बार नहीं किया गया है। राहत की बात यह है कि किराए में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। इसके अलावा इस बजट में किसी भी नई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई है। मरीजों और बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए सरकार ने 25,000 से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही वाले स्टेशन पर एस्केलेटर्स लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा देश की सभी ट्रेनों और स्टेशन पर CCTV और Wi-Fi की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
देश में बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए वडोदरा में एक रेलवे इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा। और अब बजट के कुछ ऐसे बिंदु आपको बताते हैं जिन पर आपके लिए ध्यान देना जरूरी है, और इन बिंदुओं को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब हम आपको बजट के कुछ ऐसे बिंदु बताएंगे जहां अगर आप ऊपरी तौर पर बजट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी कोई बचत नहीं हो रही, लेकिन अगर आप बजट के अंदर जाकर इन डिटेल्स पर नजर डालेंगे तो आपकी बचत हो सकती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस बजट में बहुत सारी चीजें अभी छिपी हुई है, अगर आपने उनको डीकोड कर लिया तो आप पैसा अब भी बचा सकते हैं। इस बजट में देश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर है, और इसमें मध्य वर्ग भी शामिल है, मिडिल क्लास भी शामिल है। कैसे, आपको बताते हैं। हमारे देश में इनकम टैक्स का शुरुआती स्लैब पूरी दुनिया में सबसे कम है। फिलहाल 42,000 रुपए प्रति महीना कमाने वाले व्यक्ति को सिर्फ 5% का इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आज के 40,000 रुपए वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से अब 2.9 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिडिल क्लास में सीनियर सिटीजन भी आते हैं। सीनियर सिटीजन को बैंक और पोस्ट ऑफिस के खातों से मिलने वाले 50,000 रुपए तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वरिष्ठ नागरिक 2,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए सालाना तक बचत कर सकते हैं। ये भी मिडिल क्लास के वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिकों के गंभीर बीमारी में अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में पहले अस्पताल के खर्चे में 60,000 रुपए की छूट मिलती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। इसकी वजह से 2,000 से 12,000 रुपए तक की सालाना बचत की जा सकती है। शेयर्स को एक साल के बाद बेचने पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया है। हालांकि अगर शेयर बेचने पर कमाई सालाना 1,00,000 रुपए तक है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार का इसमें यह कहना है कि यह टैक्स आम निवेशकों के लिए नहीं बल्कि बड़े निवेशकों के लिए लगाया गया है। औसतन शेयर बाजार से 1,00,000 रुपए की कमाई करने के लिए 6,00,000 रुपए का निवेश करने की जरूरत होती है। इसके अलावा बजट में आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें भी महंगी इस बार नहीं हुई हैं, क्योंकि देश में जीएसटी पहले ही लागू हो चुका है और किसी भी सामान पर जीएसटी की क्या दर लगनी है ये फैसला अब सरकार नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल तय करती है, और जीएसटी काउंसिल पहले ही बहुत सारी चीजों के दाम यानी उस पर टैक्स स्लैब को कम कर चुकी है। देश भर में नए IITs, IIMs और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, और ये संस्थान मिडिल क्लास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मुहैया करवाएंगे। सरकार का फोकस युवाओं को बेहतर रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने पर भी है। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद लोगों की बीमा योजना नमो केयर का फायदा भी लोअर मिडिल क्लास को मिलेगा। कुल मिलाकर मध्य वर्ग की इच्छाएं सिर्फ टैक्स में कटौती करने से पूरी नहीं होती। भारत के मध्य वर्ग को बहुत सारी चीजों की जरूरत है और सरकार ने आज उसी दिशा में कदम उठाए हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ आपको टैक्स स्लैब में छूट दी जाए, जबकि हमारा जो मिडिल क्लास है वो आज हवाई यात्राएं करना चाहता है, वो रेल यात्राएं करना चाहता है, उसे अच्छे रेलवे स्टेशन चाहिए, उसे अच्छे एयरपोर्ट्स चाहिए, और उसके लिए भी सरकार को पैसा खर्च करना होगा। अब एक और खास बात, पिछले साल देश की जितनी कमाई हुई उसका 73% हिस्सा 1% अमीरों की जेब में गया। यह हमारे देश की दुखद सच्चाई है, और भारत निजी संपत्ति के मामले में दुनिया में 6वें नंबर पर है। यानी पैसे की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, पैसा तो है लेकिन पैसा सिर्फ कुछ खास अमीर लोगों की जेबों में भरा हुआ है। इस पैसे को उनकी जेब से निकालकर गरीब लोगों की जेबों में जाना चाहिए, और सरकार को ऐसी ही नीतियां बनानी चाहिए कि जो अमीर लोग हैं उनके जेब से ये पैसा निकले और देश के गरीब लोगों में बंटे। आज पेश हुए बजट को किसी भी मायने में पॉपुलिस्ट बजट नहीं कहा जा सकता, इसीलिए बहुत सारे लोग निराश हैं। पॉपुलिस्ट बजट का मतलब होता है ऐसा बजट जिसमें जनता के लिए लुभावने ऐलान किए जाएं और जिससे मध्य वर्ग को इंस्टेंट आनंद मिले। इस बजट को हम पॉपुलिस्ट की जगह प्रोग्रेसिव बजट कह सकते हैं, क्योंकि जो बजट लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है ये बजट लॉन्ग टर्म में देश के लिए अच्छा होता है। ये बजट आप ऐसे समझिए कि एक तरह से क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह होता है, लेकिन जमाना आजकल 2020 का है, इसलिए टेस्ट मैच ज्यादातर लोगों को बोरिंग लगते हैं, और यही आज के बजट का सार है। मिडिल क्लास
2020 की उम्मीद कर रहा था और सरकार ने उसे दिया टेस्ट मैच। आज भी गांवों के भारत और शहरों के इंडिया के बीच बहुत बड़ी गहरी खाई है, बहुत अंतर है। मौजूदा बजट में इस खाई को भरने की कोशिश हुई है। ये शहरों वाले इंडिया का बजट नहीं, ये गांव वाले भारत का बजट है। हमें लगता है कि सरकार के साथ साथ आपको भी अपनी कमाई में से एक छोटा सा हिस्सा गांवों में बसने वाले असली भारत को देना चाहिए, वहां बसने वाले गरीब लोगों को देना चाहिए, किसानों को देना चाहिए। सही मायने में देश का विकास तभी हो पाएगा।